एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल के बाल भवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं और सुधार की स्थिति में है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आंगनबाड़ियों की दुर्दशा के मामलों को लेकर कहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, आने वाले समय में आंगनबाड़ियों की स्थिति और भी अच्छी होगी। वहीं पौधारोपण को लेकर मंत्री भूरिया ने कहा कि प्रदेश की हर आंगनबाड़ी में भी पौधारोपण किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं, कई तरह की योजना, मेरे विभाग में एक योजना नहीं, कई तरह की ऐसी योजनाएं चल रही है। और उसमें ये था कि जो कोविड में अनाथ हुए हैं बच्चे, जिनका कोई वो नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक योजना हमने चलाने का काम किया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बन के तो आप हमें बताएं, हमारे अनाज मिलाए तुम लोग। हर व्यक्ति अगर एक एक पौधा लगाए, सिर्फ लगाना नहीं उससे बड़ा भी करना। वृक्षारोपण तो हर साल होता है लेकिन हमें उतने पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए वृक्षारोपण तो करें हम लोग लेकिन उसको बड़ा भी करें, इसकी जवाबदारी भी हम लोग लें कि हमने जो पौधा लगाया है वो वृक्ष के रूप में बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी, तब हम फिर से हमारी प्रकृति को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।